आज सजा नजर आए, जायजा लिया हमारे संवाददाता दानिश ने। अगर आज धनतेरस का दिन है, लिहाजा इसको देखते हुए नोएडा के जितने भी बाजार है वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, यानी ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी रौनक आज बाजारों में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फूलों की जो दुकानें हैं वो भी सजी हुई है, पूजा के लिए लोग फूल और माला जो है यहाँ पर खरीद रहे हैं। पूरी अगर हम मार्केट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ पूरी मार्केट में यहाँ पर दिखाई दे रही है, लोग अपने अपने घरों से निकले हैं। आज का दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि आज लक्ष्मी जी की पूजा होती है, यानी आज के दिन ये माना जाता है कि आज की पूजा से जो घर में लक्ष्मी का वास होता है, संपन्न परिवार होता है, लिहाजा पूरी तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा खास धनतेरस को माना जाता है। पीछे आपको मैं भीड़ भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जो ये हम इस वक्त सेक्टर 27 की मार्केट में खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जो है देखी जा सकती है। लोग अपने घरों से निकल कर खरीदारी कर रहे हैं और ख़ासकर दिवाली भी आने वाली परसों दिवाली है, उसको भी लेकर खरीदारी यहाँ पर ज़ोरों से चल रही है। काफ़ी खास दिन है आज के दिन, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, यानी धन का घर के अंदर आगमन हो, धन का वास हो, कोई भी परेशानी ना हो। धन्वंतरी की पूजा भी आज के दिन को बोला जाता है कि हाँ धन्वंतरी की पूजा आज पूजा अर्चना करी जाएगी। फिलहाल बाजारों में रौनक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सारित के साथ दानिश रीज, भारत समाचार, नोएडा। कोरोना खौफ जरूर हावी है लेकिन त्यौहार तो मनाना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग त्यौहार मना भी रहे हैं और यही वजह है कि आप पहली बार इस त्यौहार में बाजार में भीड़ दिखाई पड़ी। इसके पहले जितने भी त्यौहार लोगों ने मनाए घरों के अंदर थे, ये 499 साल बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है कि धनतेरस और छोटी दीपावली एक ही दिन पड़ रही है। हालांकि इससे बाजारों में कोई असर तो नहीं पड़ा लेकिन बाजार में रौनक जरूर दिखाई पड़े, बाजार तैयार है बिक्री के लिए, लोग घरों से निकल भी आए हैं, कपड़े की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें, खाने पीने का सामान दुकानें और भी जो घर की सजावट का सामान कर रहे हो, अब बाजारों में भीड़ दिखने लगी और यही वजह है कि जो कानपुर सबसे बड़ा नवीन मार्केट बाजार है इसमें अब मजे की भीड़ दिखाई भी पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके लोग अपनी खरीदारी करने में व्यस्त हैं और भाई तादाद में हर शोरूम पे, हर दुकान पर, हर स्टॉल पर लोग नजर आ रहे हैं और त्यौहार का जन्म का लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है इस बार धनतेरस से दीपावली के बीच में कानपुर के जो व्यवसायी हैं, चाहे कपड़ा व्यवसायी हो, ज्वेलरी का व्यवसायी हो या और घर सजावट काम वाले लोग हों, वो इस वक्त 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक सर, अवनीत दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। देखिए आज धनतेरस का प्रमुख त्यौहार है और बाजार में जो माहौल दिख रहा है सन्नाटा तो नहीं कहेंगे लेकिन इतनी भीड़ नहीं हुई है जो हर वर्ष होती थी। ऐसी स्थिति में कोविड को भी लोग ध्यान में रख रहे हैं और खरीदारी करने आ रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, आज धनतेरस का त्यौहार किस तरह की? आप सबको भी शुभकामनाएं हैं। खरीदारी किस तरह कर रहे हैं? खरीदारी अच्छी हो रही है। कोरोना का कोई कोरोना का सर भय तो रहता है, अंदर भय रहता है, अंदर थोड़ा भय रहता है। खरीदने आए हैं? एक जगह लेने आए तामे का, कपड़े लेने आए। कुछ कोरोना का कुछ असर दिख रहा है क्या? पूरा है असर, मुझे लग रहा है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, वो मजबूरी है खरीदारी करना, तो मतलब मगर लोगों के पास पैसा नहीं है। मतलब कैसा माहौल है इस बार धनतेरस पे? ठीक है, अभी कोई ज्यादा ऐसा बढ़िया नहीं है लेकिन माहौल तो सही है। बिक्री को लगे किस तरह की तैयारी आप लोगों ने रखी? पूरी तैयारी करनी पड़ती है, बाकी ये है कि रेटों के हिसाब से मार्केट में मतलब तेजी मंदी की वजह से ग्राहक थोड़ा सा, हाँ कोरोना का भी थोड़ा सा असर है। आंटी जी भी खरीदने आई है, माई जी खरीदने आई, क्या खरीदने आई है? यही बासन मिट्टिया खरीदने आए। और क्या खरीदेंगे? क्या खरीद के ले जाएंगे? यही ले जाएंगे बर्तन, ले जाएंगे कट्टा है, परात है, शादी के लिए लड़ी की बोना है, लगन जाएगी। अच्छा, शादी के लिए तैयारी। हाँ तो बिल्कुल, धनतेरस के साथ साथ शादी की भी खरीदारी हो रही है। एक पंथ दो काज की स्थिति है, ऐसी स्थिति में बाजार में अब शुरुआत हो गई है ग्राहकों का और रात भर ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में कोविड को दृष्टिगत रखते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। भारत समाचार से राहुल उपाध्याय और अंकित यादव के साथ में जितेंद्र शर्मा, सत्यमेव जयते। और चलिए धनतेरस के बाद रुख करेंगे अयोध्या का। ये दीपोत्सव अयोध्या के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि राजा राम के अयोध्या आने की खुशी के बीच मंदिर बनने की खुशी